प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएजी को देश के लिए एक बड़ी अमानत और विरासत बताते हुए कहा है कि सीएजी उत्पादकता और कार्यक्षमता में मूल्य संवर्धन करता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्र इस महीने राज्यों को अग्रिम किस्त के रूप में 95,082 करोड़ रुपए जारी करेगा। केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा है कि भारत इस्पात क्षेत्र में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है। उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के लिए 14 न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की सिफारिश की है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 112 करोड़ 95 लाख से अधिक कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने सरकारी प्रशिक्षण महाविद्यालयों में व्याख्याता भर्ती का संशोधित परिणाम घोषित कर दिया है। खगड़िया में नकली खाद का धंधा करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने अभियान चलाकर 840 बोरा नकली खाद जब्त किया। सहरसा पुलिस ने सदर थाना के कैलाशपुरी से हथियार के साथ 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम में सीतामढ़ी जिले में जिलाधिकारी सुनील कुमार यादव ने कहा, आजादी से लेकर अब तक प्रेस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सहरसा के विनोबा भावे आश्रम में आयोजित एक कार्यक्रम में आचार्य विनोबा भावे को उनके पुण्यतिथि पर श्रद्धा के साथ नमन किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। पीएम मोदी ने कहा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहेगी विकास की गंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून को लेकर की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। हर घर दस्तक विशेष कोविड टीकाकरण अभियान आज से शुरू, 100% टीकाकरण का लक्ष्य।